इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन थ्योरम है और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम आपका फर्स्ट थ्योरम क्या है, देखिए थ्योरम रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो पहला थ्योरम क्या है, इफ द सो थ्योरम फर्स्ट थ्योरम क्या है आपका, If two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to the larger side is larger. आपको क्या बोला है कि if two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to larger side is larger. देखिए जैसे ये है A, B, C, और आपको बोला कि AC is bigger than AB. AC जो साइड है वो AB से बड़ी है, तो AC के सामने वाला एंगल एंगल B is bigger than एंगल C. यदि साइड अनइक्वल है तो बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। और जो नेक्स्ट थ्योरम है उसी का जस्ट अपोजिट है, इफ एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, एंगल के सामने वाली साइड, इन एनी ट्राइंगल साइड अपोजिट to larger angle is larger. मतलब इस बार आपको क्या दिया हुआ है, ये B, ये C, इस बार आपको दिया हुआ है, ये गिवन था, इस बार गिवन क्या किया है कि एंगल B is more than एंगल C, ये आपको गिवन है कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल से बड़ा है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, एसी, एसी इज बिगर देन एबी, यानी लार्जर साइड के सामने वाला एंगल लार्जर होगा और लार्जर एंगल के सामने वाली साइड लार्जर रहेगी। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, तीसरा जो थ्योरम है इनइक्वालिटी से रिलेटेड वो क्या है, इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड, कोई भी दो साइड का सम जो होगा वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, सॉरी ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड, ऑलवेज ग्रेटर देन टू लेंथ ऑफ थर्ड साइड।
सो दिस इज अ थर्ड थ्योरम रिलेटेड टू द इनइक्वालिटी. मतलब दो साइड है, जैसे ये ट्राइंगल एबीसी लिया हमने, ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी. इन दोनों साइड का सम इसके तीसरी साइड के लेंथ से हमेशा क्या होगा, ज्यादा रहेगा. इज इट क्लियर? सो नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट इनइक्वालिटी. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, शो दैट दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल दैट हाइपोटेन्यूस इज अ लॉन्गेस्ट साइड. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट साइड. तो देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए ये बी ये सी. एंगल बी जो है वो 90 डिग्री. क्या है? एंगल बी जो है वो 90 डिग्री. तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, सॉरी 180 डिग्री. एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस सी क्या हो जाएगा, 90. यानी ए और सी का जो समेशन होगा वो क्या रहेगा, 90 रहेगा. तो जो इन दोनों इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बी होगा वो आपका सबसे लार्जर एंगल होगा. ठीक है, सो एंगल बी इज मोर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज ऑल्सो मोर देन एंगल सी, क्योंकि ए और सी दोनों का समेशन आपका क्या होगा, 90 रहेगा. तो एंगल बी जो होगा वो क्या कह रहे हैं बेटा? अरे बेटा पहले ये तो कर लो, रीजन कर लेना, 5 मिनट के लिए कर लेना, क्वेश्चन यदि इनकम्प्लीट रहे तो कर लेना. तो देखिए एंगल बी जो होगा वो एंगल ए से भी बड़ा होगा और एंगल बी जो होगा एंगल सी से भी बड़ा होगा. तो अब जो हमने थ्योरम पढ़ा था कि लार्जर एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड है एसी, तो एंगल बी इज मोर देन ए, तो एसी इज मोर देन एंगल ए के सामने जो साइड है वो बीसी होगी. तो एसी इज मोर देन बीसी. सिमिलरली एंगल बी इज मोर देन एंगल सी, तो एसी इज मोर देन एबी. तो एसी इज मोर देन बीसी, एसी इज मोर देन एबी, तो एसी इज लॉन्गेस्ट साइड. और एसी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस है. तो हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड. Is it clear? Aya Sonne, is there any doubt? Aap dekhiye next question. Second question. In the triangle PQR. ये B है, ये Q है, ये R है. ठीक है, ये PS. PS आपको क्या दिया हुआ है, PS इज एंगल bisector. PS bisect एंगल QBR. ये जो PS है इन दोनों एंगल को bisect कर रहा है. और आपको क्या दिया हुआ है, bisect कर रहा है क्या मतलब क्या हुआ, QPS और ये वाला एंगल QPS और RPS ये दोनों इक्वल है. ये वाली साइड जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाला आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल इक्वल है. और आपको क्या दिया हुआ है, PR इज मोर देन PQ. PR इज मोर देन PQ ये भी गिवन है. PR इज मोर देन PQ. तो आपको प्रूफ क्या करना है,
prove that angle PSR is more than angle PSQ. PSR ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए PR इज मोर देन PQ, तो PR के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, लार्जर साइड के सामने वाला एंगल लार्जर होता है, तो PR के सामने वाला एंगल ट्रायंगल PQR के अंदर एंगल Q इज बिगर देन PQ, PQ के सामने वाला एंगल R, एंगल Q इज मोर देन एंगल R, लार्जर साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, एंगल क्यू में ऐड कर दिया एंगल आर पी एस ये वाला एंगल, और एंगल आर के अंदर भी हमने क्या कर दिया आर पी एस, एंगल क्यू प्लस आर पी एस इज इक्वल टू एंगल आर प्लस आर पी एस, ये वाला एंगल दोनों के अंदर ऐड कर दिया। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल सॉरी ये बिगर होगा, एंगल क्यू प्लस आर पी एस इज बिगर देन एंगल आर प्लस आर पी एस, ये जो इनइक्वालिटी थी इसके अंदर इक्वल पार्ट ऐड कर दिए तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अब देखिए एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस ये क्या है, ट्राइंगल पी एस आर के इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का सम ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल रहता है, तो हम क्या लिखेंगे एंगल Q प्लस आर पी एस इज बिगर देन एंगल पी एस क्यू, ये कैसे लिखा, ये दोनों इंटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के अंदर, ये देखो ये ट्राइंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल रहेगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया। अब इस आरपीएस की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्यूपीएस रख सकते हैं, आरपीएस और क्यूपीएस इक्वल है, तो अब हमारा ट्राइंगल हमने ये ले लिया पी क्यू एस, इस पी क्यू एस के अंदर ये इंटीरियर एंगल है दो, कौन से, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसका इसका समेशन इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल रहेगा, और ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा है पी एस आर, सो पी एस आर इज बिगर देन पी एस क्यू। तो हमने यहां प्रॉपर्टी एक तो इनइक्वालिटी वाली यूज करी, और दूसरा क्या यूज किया कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है, एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसका इसका समेशन इसके इक्वल है और इसका इसका समेशन इसके इक्वल है, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि एंगल पी एस आर इज बिगर देन एंगल पी एस क्यू, इज इट क्लियर। एनी डाउट, कितना टाइम बचा है, अभी आगे क्लास है किसी का, चलिए ठीक है, तो इसके साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे करवाना था बट वो अब आप ही करेंगे, कोई बात नहीं, अब ये एक्सरसाइज आपकी इसके साथ कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है इसके साथ ही, आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी ए बी सी और ये
आपको दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके अंदर ए बी जो है स्मॉलेस्ट है और सी डी जो है वो लार्जेस्ट साइड। ठीक है, आपको प्रूफ करना है एंगल ए इज मोर देन एंगल बी, सॉरी एंगल ए इज मोर देन एंगल सी और एंगल बी इज मोर देन एंगल डी। ठीक है, यानी ये वाला एंगल इससे बड़ा है और ये वाला एंगल इससे बड़ा है। तो देखिए सी डी के सामने वाला एंगल ए है, ठीक है, लेकिन अब वो जो इनइक्वालिटी हमने पढ़ी थी और ट्राइंगल के लिए पढ़ी थी, इसके लिए पढ़ी थी ट्राइंगल के लिए पढ़ी, तो पहले हम ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं कि लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ये एंगल वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। अब हमने ले लिया कि ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी इज स्मॉलर देन ए डी, क्योंकि देखिए ए बी स्मॉलेस्ट है तो इस ट्राइंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए बी सबसे छोटा होगा ए डी से, तो ए बी के सामने वाला एंगल, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल थ्री इज लेसर देन ए डी के सामने वाला एंगल, एंगल वन। ठीक है, कि लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, लार्जर। अब दूसरा ट्राइंगल हमने लिया, इसी के अंदर ये इस तरीके से, ठीक है, या ये एक वापस से डायग्राम बना लेते हैं, ये ए बी ए सी, ठीक है, अब ये ले लिया एंगल फाइव सिक्स, चलिए इसको बताने से पहले मैं पहले ये बताना पड़ेगा ना एंगल बी और डी। अब देखिए दूसरा ट्राइंगल इसके अंदर ले लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि सी डी इज बिगर देन बी सी, सी डी के सामने वाला एंगल है बी सी, सी डी के सामने वाला एंगल है टू, सॉरी सी डी के सामने वाला एंगल है टू, एंगल टू इज बिगर देन एंगल बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बी सी के सामने वाला एंगल है एंगल फोर, तो देखिए ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई, एंगल वन इज मोर देन एंगल, ये बाद में करना है, ये दूसरा जो प्रूफ करना ए और सी के लिए उसके लिए करना, एंगल वन इज मोर देन एंगल थ्री, एंगल टू इज मोर देन एंगल फोर, सो एंगल वन प्लस एंगल टू इज मोर देन एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, तो वन और टू क्या हो गया, एंगल बी इज मोर देन थ्री एंड फोर यानी एंगल डी, तो एंगल बी इज बिगर देन एंगल डी, तो ये आपका दो ट्राइंगल लिए ए बी डी और बी सी। अब ए और सी को ग्रेटर देन प्रूफ करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, देखिए इस बार ये दो टाइप अपोजिट पॉइंट मैच होंगे, ठीक है, और इस बार पॉइंट क्या लिए, ये लिया वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। अब हमने ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल ए बी सी, पहला ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए बी इज लेसर देन बी सी, ए बी सी, तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल थ्री इज लेसर देन बी सी के सामने वाला एंगल, बीसी के सामने वाला एंगल वन, ठीक है,
तो एंगल वन इज बिगर देन एंगल थ्री आ गया। फिर ट्राइंगल हमने ले लिया ए सी डी, इसके अंदर सी डी लॉन्गेस्ट है तो सी डी इज बिगर देन ए डी, तो सी डी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल टू, और ए डी के सामने वाला एंगल फोर, सो एंगल टू इज बिगर देन एंगल फोर, तो वन प्लस टू इज बिगर देन थ्री प्लस फोर, इस बार वन प्लस टू क्या है एंगल ए इज बिगर देन थ्री प्लस फोर, ये क्या है एंगल सी, तो एंगल ए इज बिगर देन एंगल सी। तो इनइक्वालिटीज हमने यूज करी और इसे प्रूव किया कि लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल लार्जर होगा और लार्जर एंगल के सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो ट्राइंगल है वो फिनिश हो कंप्लीट। ओके थैंक यू।